डायरेक्ट हम आंसर बताने। हाँ तो मैं यही बोल रहा था कि इसको चालू करते हैं, फिर देखते हैं कौन कितने पानी में, हम कितने पानी में, मेरे पास भी आंसर सीट नहीं यार इधर तो बहुत है। बारिश हो रही भाई, पानी पानी में हम लोग। ठीक है इसको ठीक चालू करते हैं, इसको चालू करते हैं। ओके इंग्लिश में है। चलेगा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेबर चार्जेस विच आर इंक्लूड फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू स्लैश, मतलब डैश बोलूंगा, ब्लैंक को डैश बोलूंगा मैं, ठीक है। ओके तो क्वेश्चन है, लेबर चार्जेस विच आर इंक्लूड फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू स्लैश डायरेक्ट लेबर। इज कॉल्ड डायरेक्ट लेबर चार्ज, इज कॉल्ड डायरेक्ट लेबर चार्ज। हाँ ऑप्शन है यारी। वर्क इन प्रोग्रेस, बी है फिनिश प्रोडक्ट, सी है बोथ ए एंड बी, डी नॉन ऑफ दिस। फिनिश प्रोडक्ट होगा वो। हाँ फिनिश प्रोडक्ट होगा इसका आंसर, की मेरे पास नहीं है लेकिन फिनिश नहीं, प्रोडक्ट वर्क इन होगा। प्रोग्रेस क्यों नहीं होगा? वर्क इन प्रोग्रेस वो स्टेमी स्टेटमेंट में रहता है ना, जब तक कंप्लीट रॉ नहीं हुआ है। मटेरियल्स इनटू, रॉ मटेरियल्स हाँ इनटू स्लैश, भाई फिनिश प्रोडक्ट को ये एक रॉ मटेरियल कन्वर्ट करोगे ना फिनिश प्रोडक्ट में। मिनट क्वेश्चन क्वेश्चन राइज कीजिए एक बार, उसको फोटो खींच के यार व्हाट्सएप में डालिए वर्किंग पहला, हम प्रोग्रेस है, लोग भी उसमें भी देखते। तो वो ओके डायरेक्ट लेबर ही काम कर रहा है। ओके ओके उसको उसको मैं फोटो खींच रहा उसको हूँ, मैं फोटो खींच रहा इस हूँ, ग्रुप में डालिए पहला, क्योंकि एक देखिए मिनट। क्वेश्चन का एक वार्ड ना, क्वेश्चन का पूरा काया पलट रहा है, कल जैसा एक पेमेंट एक वार्ड आ गया कि नहीं, पूरा हम लोग मुझे तो बहुत लग रहा है। देख लेते हैं, बहुत ही होगा। ओके मैं भेज दे रहा हूँ, चलो सर ने ही डाल लेके आ गए। हाँ सर ने खोल लिया है सर, 2014 2014 का लास्ट वाला। ना। हाँ हाँ यही है एक यही मिनट, है। लेबर चार्जेस विच आर इनकर्ड फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू डैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट लेबर चार्जेस, फिनिश्ड प्रोडक्ट वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ दोनों सी होएगा, लग रहा है इसका, सी एंड लग बी रहा होगा, है, एंड बी सी होएगा। सी होगा सी। सी हाँ ओके, वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क इन प्रोग्रेस भी कोई होगा, काम कर रहा इज है, कॉल्ड डायरेक्ट डायरेक्ट लेबर लेबर ही काम कर रहा है चार्ज। ना। हाँ मतलब डायरेक्ट लेबर चार्ज दोनों पे लगेगा ना, मतलब फिनिश प्रोडक्ट पे भी और काम करते टाइम पे भी लगेगा, वर्क इन प्रोग्रेस पे भी लगेगा। ओके नेक्स्ट, इसका स्लैश आंसर क्या कह आर रहा है पार्ट, आंसर शीट, मतलब उसमें आंसर शीट उसमें क्या बता रहा है इसका आंसर? आई आंसर शीट नहीं है मेरे पास, यही चलो दिक्कत नहीं है, है। सर से कंफर्म करेंगे फिर बात। ओके क्या है इसमें फाइनल, पहले वाले में फाइनल, बोथ ए एंड बी। बोल? ओके ओके मैं आर देखता हूँ, पार्ट मेरे ऑफ पास ओवर अगर हेड आंसर शीट। एक्सपेंसेस सेकंड वन। चलो अरे भाई इधर आंसर ढूंढते शीट मिल रहो, गई, आंसर शीट अगला मिल गई है, स्कूल आंसर शीट मिल गई है, के ठीक है। ऊपर। उसका ऑप्शन है ए का बी, मतलब बी फर्स्ट का बी, फिनिश प्रोडक्ट बताओ। हाँ हाँ फिनिश प्रोडक्ट ठीक ये होगा ना। ओके ओके प्रोडक्ट ठीक है। है। हाँ इनटू फिनिश प्रोडक्ट, मतलब आप वर्क इन प्रोग्रेस में तो चलो ठीक है, लेकिन फिनिश प्रोडक्ट में एक्सेप्टेड जॉब नहीं, पे ही तो बीस वर्क फिनिश बनता है प्रोडक्ट ना। में तो बिल्कुल समझ में आ रहा है, हाँ फिनिश प्रोडक्ट में तो डायरेक्ट लेबर का समझ में आ रहा डायरेक्ट है, डायरेक्ट लेबर लेकिन चार्ज, वर्क इन मतलब प्रोग्रेस पीस में क्यों पीस नहीं है? वर्क। इसमें इनडायरेक्ट लेबर कौन सा ना काम करेगा, भाई आप वही तो कन्वर्ट कर डायरेक्ट रहे हो ना, लेबर। फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे तभी तो डायरेक्ट लेबर चार्ज बनेगा ना। लेबर चार्जेस मिलेगा, कन्वर्ट है ना, कन्वर्ट मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश वर्किंग प्रोडक्ट में कन्वर्ट। वर्किंग प्रोग्रेस क्या रहता है कि आपका प्रोडक्ट आधा बना हुआ रहता है, तो प्रोसेस में हाँ रहता है वो एक्चुअली कन्वर्ट हाँ नहीं होता है, उस चार्ज के ऊपर आपको लेबर चार्जेस कैसे मिल सकता है, वो नहीं मिलेगा। तो फिनिश प्रोडक्ट में ही आपको लेबर चार्जेस मिलते हैं, लेकिन डायरेक्ट लेबर ओके चार्ज पेमेंट आपको मिलता है दूसरी फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर, नहीं, आपको एजेंट वर्क नहीं इन बोनस प्रोग्रेस मिलता कहने है। का फिनिश मतलब, वर्क इन प्रोग्रेस कहने का पेंशन मतलब कुछ काम हो गया, कुछ बाकी है ना। बोनस नहीं है, नहीं, अपना नहीं नहीं पेमेंट नहीं कब मिलता है लेबर एक्सेप्टेड को जॉब जब पर ही तक फिनिश वो एक्सेप्टेड डॉट पर। हाँ नहीं वही वही होगा, फिनिश हाँ जब जब तक तक होता फिनिश नहीं नहीं होगा होगा तब यार, तक और लेबर चार्ज डायरेक्ट एक्सेप्टेड लेबर मीन चार्ज पास कैसे नहीं होता। जुड़ेगा। हाँ अब फिनिश हाँ जब होगा तक तो नहीं उसमें होगा, मतलब कैलकुलेशन फाइनल निकल के आएगा, WIP रहेगा तो उसमें बहुत सारी प्रोसेस बाकी भी रहेगी। हाँ
ये भी है, इससे हो सकता है वो भी करेक्ट लग रहा है। ठीक है, सेकंड लेते हैं। डेज आर द पार्ट ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर चार्जेस, बी इनडायरेक्ट लेबर चार्जेस, सी बोथ, नॉन ऑफ दिस। हाँ, इसका भी ऑप्शन बी है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्टीम हो गया, सब ओवरहेड्स में आता है। सब आगे चलो। थर्ड, जनरली इन एनी ऑर्डनेस फैक्ट्री लेट कमर्स आर एडमिटेड अप टू 60 मिनट्स, है ना, एक घंटा 60 मिनट। ठीक है, व्हेन अ वर्कर इज ग्रांटेड शॉर्ट लीव स्लैश इज अलाउड शॉर्ट पे लीव पास, लीव मोमेंट, लीव पास, लीव पास, लीव पास, लीव पास, हां शॉर्ट पास, शॉर्ट लीव को लीव पास से अलाउड, लीव पास। ओके, हां इसका आंसर कौन सा है, फोर्थ का बी। ओके सही, हां लीव पास होगा, लीव पास होगा। When worker are employed on wartime slash signed by authorized officer are issued wartime pass, wartime memo, short memo, overtime memo, overtime memo, okay overtime memo sahi hai iska, theek hai, slash notifies grant of leave with or without pay, leave pass, लीव मेमो, लीव ऑर्डर, नॉन ऑफ दिस। लीव ऑर्डर होगा सर, लीव ऑर्डर होगा, लीव ऑर्डर होगा, लीव ऑर्डर। ओके, द डेली अटेंडेंस ऑफ ईच वर्कर इज मार्क्ड बाय द गेट ऑफिस विथ रेफरेंस टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट tickets removed, ticket not removed, tickets deposited in the late attendance boxes, none of these. The daily attendance will check in my gate office, reference to all following except daily attendance. Ticket not removed, yaar, B. नहीं, थोड़ा उसके ऊपर देख लेते हैं, अच्छी तरह समझ लेते हैं क्वेश्चंस क्या मांग रहा है। डेली अटेंडेंस मतलब आपकी डेली गेट ऑफिस विद रेफरेंस टू ऑल, गेट ऑफिस, गेट ऑफिस में मतलब जो गेट कीपर होगा, मतलब जो पहले दरवाजे, नहीं नहीं, गेट गेट ऑफिस एलबी को बोलते हैं, एलबी को, हाँ पहले जो एलबी के क्लर्क वगैरह गेट पे खड़े रहते थे ना, हाँ हाँ हाँ, विद रेफरेंस ऑफ, रेफरेंस टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग, टिकट रिम्यू, टिकट रिम्यू आंसर में है इसके, भाई जब वहां से टिकट टोकन उठाओगे, टोकन उठाओगे तभी अटेंडेंस गेट ऑफिस, हां टोकन उठाओगे इसको तभी अटेंडेंस लगती थी, पहले टोकन टंगता था। रिक्वेस्ट टू ऑल फॉर फॉलोइंग एक्सेप्ट टिकट रिमूव, बराबर है, नहीं नहीं टिकट नॉट रिमूव्ड होगा, ऐसा है ना, जो आया नहीं ना वो अपना हटाएगा नहीं तो पता लग जाएगा, नहीं नहीं जो हटाएगा उसी का पता चलेगा ना, तभी तो अटेंडेंस लगेगी, आप जब पंच करोगे तभी अटेंडेंस लगेगी ना। अरे इधर सुनिए, पहले इधर सुनिए, 100 सपोज 100 टिकट लगने हैं, 100 वो जो हमारे गोल गोल चौकोर वाले 100 लगने हैं, तो 100 का नहीं देखते ना हम, हम वो देखते हैं कि चार ने अगर नहीं हटाया तो हम 96 का हाजिर लगा देते हैं, और जो चार जिन्होंने नहीं हटाया जो टोकन नंबर वाले, हेलो हेलो, ऐसा भी हो सकता है ना, मतलब ये होगा ना कि भाई चार चलो ठीक है नहीं आए, लेकिन कौन से चार नहीं आए, वो टोकन नंबर लिखा रहता है उसमें, वो अपना टोकन जो नंबर पे ही तो टांगते हैं, जो टिकट नंबर वहां नहीं रहेगा, ओके उसकी ही अटेंडेंस लगेगी, जो टिकट उठा के सेक्शन में टांग दिए उसका अटेंडेंस लगेगा ना, इसलिए टिकट रिमूव, गेट से टिकट रिमूव हुई है, अगर ये सेक्शन में पूछते ना तो टिकट नॉट रिमूव होता, ये गेट पर पूछा है, सुनिए भाई साहब, गेट पर पूछा ना, गेट पर पूछ रहा है, इसका मतलब वहां से टिकट हटेगा तो ही आपके प्रेजेंटिव, टिकट हटेगा तभी अटेंडेंस लगेगी, सेक्शन में अगर नहीं हटेगा तो प्रेजेंटिव आएगा, ऐसा है बस, और देख लीजिए, टिकट हटने पे प्रेजेंटिव आंसर है कुछ और, हां आंसर तो ये है इसमें, टिकट रिमूव, हां चलो नेक्स्ट ले लेते हैं, हां नेक्स्ट है, डेली अटेंडेंस मार्क बाय द गेट ऑफिस कैन बी चेक बाय द अकाउंट ऑफिस
with a reference casualty to report. Casualty report, casualty report, presentee report, both. Casualty report. None of these. कैजुअलिटी रिपोर्ट होएगा कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं 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 दोनों आएगा दोनों आएगा कैजुअलिटी रिपोर्ट प्रेजेंटी रिपोर्ट कैजुअलिटी रिपोर्ट सेक्शन भेजेगा प्रेजेंटी रिपोर्ट जो एलबी वाला गेट पे खड़ा था वो करेगा या आपका पंच अभी के टाइम पे पंच तो दोनों के थ्रू आपका पेमेंट होगा ना भाई अटेंडेंस दोनों के थ्रू लगेगी एक तो पंच एक सेक्शन अटेंडेंस भेजेगा आपका कैजुअल रिपोर्ट भेजेगा मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंटी एंड अब्सेंटी इसको ही कैजुअलिटी बोलते हैं दोनों को मिला के ही वो बोलते हैं नहीं नहीं प्रेजेंटी एंड अब्सेंटी जो है यही कैजुअलिटी है नहीं 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 देखो तो आंसर ए होना मतलब नहीं नहीं कैजुअलिटी जो प्रेजेंटी और अब्सेंटी का जो रिपोर्ट बनता है उसको कैजुअलिटी बोलता है हाँ, और प्रेजेंट का जो सेक्शन रिपोर्ट बनाएगा वो कैजुअलिटी है ना तो कैजुअलिटी क्या पूछा है कि डेली अटेंडेंस पूछा है तो दोनों भी होगा कैजुअलिटी रिपोर्ट होगा डेली अटेंडेंस में देखिए सीधी सी बात अभी के टाइम पे अगर आप पंच नहीं करोगे ठीक है डायरेक्ट अंदर सेक्शन में जाके वहां से रिपोर्ट भेज दोगे मतलब वहां तो कैजुअलिटी रिपोर्ट में आपकी प्रेजेंट भेज देगा इसका आंसर क्या कह रहा है एलबी में आपको दोनों आएगा दोनों आएगा पंच भी चेक होगा तो दोनों आएगा इसमें बोथ ए एंड बी अगर पंच लग रहेगा ना तभी भी लगेगा वो लोग क्या करते हैं वो एब्सेंट लगेगा फिर भी आपका नहीं नहीं अभी मतलब ऑफिशियली होता है आंसर भी दोनों आएगा दोनों दोनों आएगा बोथ बोथ है कैजुअलिटी और प्रेजेंटी इसका तो अगर इसमें सिर्फ सेक्शन पूछता तो क्या आता तो कैजुअलिटी आता ठीक है मतलब समझते हैं रेम्यूनरेशन रेमुनरेशन मतलब आपका सैलरी को ही रेमुनरेशन बोलते हैं रेमुनरेशन ठीक है हां व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू मेथड ऑफ रेमुनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अटेंडेंस पेमेंट बाय पीसी ऑफ द दोनों होएगा आंसर आपका सैलरी है ना दोनों से ही बनता है इंडस्ट्रियल वर्कर का दोनों बनता है क्योंकि इंडस्ट्रियल वर्कर में मेंटेनेंस वर्कर और पीसी वर्कर आते हैं तो दोनों आते हैं एक तो दोनों के हिसाब से मिलेगा अटेंडेंस भी रहेगी रहना चाहिए उसके लिए और केवल डे वर्कर को लिए बस सिर्फ अटेंडेंस श्रीकांत जी आपके मोबाइल का स्पीकर कुछ खराब है क्या आवाज अच्छी नहीं आती माइक 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 कुछ आवाज आपकी वाइब्रेट करती है जैसे कोई और बोलता तो अच्छी आती है आपकी आवाज कुछ वाइब्रेट नहीं होती है थोड़ा सा तो माइक नेटवर्क का इशू है माइक नेटवर्क का नहीं थोड़ा सा दूर रख के बोले शायद सही आए जैसे ज्यादा मुंह पे भी लगा लेते हैं ना माइक को तो थोड़ा सा करता बड़बड़ाता है पास में बोलने से ऐसे साउंड आते हैं थोड़ा दूर रख के बोले सही आएगा सही आएगा अभी आएगा अभी बराबर आया बहुत अच्छा हुआ ओके अभी चेक कीजिए अभी श्रीकांत भाई मुझे थोड़ा बताइए आप सही है जी नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड रेफरेंस फॉर एनी इंडस्ट्रियल वर्कर डे वर्कर पीस वर्कर एनी इंडस्ट्रियल वर्कर की डे रेफरेंस डे वर्कर नाइट वर्कर पीस वर्कर नो पीस वर्कर अरे पीस की स्पेलिंग गलत लग रही है मुझे इधर देखिए
वो छोड़िए स्पेलिंग, लेकिन ये इसका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वैलिड रेफरेंस फॉर एनी इंडस्ट्रियल, कोई भी इंडस्ट्रियल है, मतलब वो जरूरी नहीं कि वो पीस वर्क हो, हर फैक्ट्री में पीस वर्क जरूरी नहीं है, कुछ भी काम करवा सकता है, है ना। तो वो वर्कर तो रहेगा, मतलब डे वर्कर अटेंडेंस से तो उसकी पेमेंट होना है, जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट बना रहा है, हर फैक्ट्री में ऐसा हो नहीं, लेकिन इंडस्ट्रियल जो वर्कर है ना वो जाने जाते हैं पीस वर्क के चक्कर में, पीस वर्कर के उसमें, क्योंकि नाइट वर्कर हाँ, जो है आपका कहीं भी हो सकता है, डे वर्कर भी आपका कहीं भी हो सकता है, लेकिन पीस वर्कर जो है वो इंडस्ट्रीज में होना जरूरी है। बिल्कुल राइट, सही कह रहे हैं, यही है। नहीं ये ठीक है, पीस वर्कर होएगा। क्या दिया आंसर? इसका आंसर देखा हुआ, पीस वर्कर ही है, डे वर्कर है, ये दिया है डे वर्कर, किसी के भी लिए भी भाई, जैसे आप किसी प्रोडक्शन सेक्शन में हो, मान लीजिए जॉब एक्सेप्टेड नहीं हो रहा, लेकिन आपकी पेमेंट तो बनेगी, है ना। हाँ ठीक है, ये डे वर्कर होएगा, क्योंकि डे वर्कर जॉब एक्सेप्टेड नहीं हो रहा है, दोनों सेक्शंस में ये होता है, डिप्लॉयड होते हैं डे वर्कर, तो जॉब एक्सेप्टेड से कुछ लेनदेन नहीं है, तो डे वर्कर रहेगा। हाँ, वैलिड रेफरेंस डे वर्कर रहेगा ना, क्योंकि आपका मान लो पीस वर्क जनरेट नहीं हो रहा है, तो अगर आप पीस वर्क जनरेट हो तो पीस वर्कर है। तो नेक्स्ट में जाते हैं अभी, इन वेज कंपटीशन for payment on the basis of attendance, सबको सुनाई दे रहा है बराबर अभी? हाँ हाँ। In wage computation for payment on the basis of absence, deduction for absence for part of a day are made at DAX of the days per days pay for each hour of absence. Each hour for absence. एक मिनट, इस सवाल को मैं छोटा कर देता हूँ। अगर आपका जो दिनपाली का 8 घंटे की ड्यूटी में अगर 1 घंटा आप अगर लेट हो रहे हैं तो कितना पेमेंट कटेगा? सीधा सवाल है ये, सवाल नहीं। हाँ बस एक ही सवाल, एक ही झटके में मारना है, मतलब तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा को एक छोटा में बना दिया कि 1 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे 1 घंटा लेट हो, आप 1 घंटा लेट है तो 1 घंटे का पेमेंट कटेगा। अभी आ गया शानदार सवाल। द बेसिक वेज इज कैलकुलेटेड फॉर ईच मंथ ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अटेंडेंस। एक मिनट, आप सुनिए पहले। ऑन द बेसिस वेजेस इज कैलकुलेटेड फॉर ईच मंथ ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अटेंडेंस। हेलो, आप कनेक्टिंग हो जाइए, क्वेश्चन पेपर रनिंग है, कौन सा ईयर पता नहीं, 2014 ए सेट, 2014 का लाफा है इनका रेंज, रेंज भाई ग्रेटर बज गया अभी, सुनने को मजा। इकबाल भाई जी आ जाओ जल्दी, एंट्री कर लो, काई के लिए बाहर गए हो। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ भाई। ये जो फॉर्मूला है किसका फॉर्मूला है, सीधा बता दो, कौन बताएगा? डे वर्कर का, डे वर्कर का फॉर्मूला है, उसने पूछा क्या है, दो लाइन मत पढ़ो, छोड़ दो। S क्या है? S for Sunday. S for Sunday. आगे बढ़ो. Number of peace workers constituted है. Constitutes. Gang. Peace worker. Gang. Peace worker. Gang. Peace worker assembly. Number of peace workers. Gang. Good. Peace worker gang. Okay. तुम्हारा number पे आ जाओ अभी. Peace worker profit percentage is calculated. Formula क्या है? Peace worker percentage का. Minus 1 to 100. ये आउटपुट आवर्स बाय इनपुट आवर्स माइनस 1 into 100 डी होगा ऑप्शन नंबर, आंसर डी होगा, आउटपुट आवर्स बाय इनपुट आवर्स माइनस 1 into 100 डी का डी गिटार चार। हाँ डी क्या ना बजने दे यार, इसने क्या टेंशन लेने का, चलो ले लो अभी।
तो जाके कौन बनेगा करोड़पति में हाजिर हो जाएंगे सब और इंसेंटिव बोनस इज पेड टू कौन बनेगा करोड़पति अरे प्रभात सर बनेंगे करोड़पति और कौन बनेगा सही जवाब ठीक है चलो आगे 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 का नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर और इंसेंटिव बोनस इज पेड टू द ऑल द फेलिंग वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द मेंटेनेंस प्लांट ये डायरेक्ट कौन बता पाएगा इसका लेकिन हमारा सेमी स्किल कौन से आता है नॉन स्किल्ड में आता है स्किल्ड में आते हैं नहीं इसका आंसर सी दिया है उनको भी इंसेंटिव बोनस मिलता है और जो स्किल्ड होने के बाद दो साल स्किल्ड होने के बाद उनको भी इंसेंटिव मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्किल के ऊपर ये रहा नॉर्मल आवर्स ऑफ वर्किंग नॉर्मल आवर्स ऑफ वर्क फॉर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइज गैस आवर्स ऑन सैटरडे कौन बताएगा सिंपल सा क्वेश्चन डी 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 ओके आंसर ओके डन चलो आगे बढ़ो मेरा क्वेश्चन फॉर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइज पेमेंट फॉर गैस आवर्स सैटरडे फॉर वर्क नॉट डन इज टेन लाख सैटरडे बोनस 3 1/4 3 1/4 ओके अगला नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पेमेंट टू इंडस्ट्रियल वर्कर्स फॉर द आइडल टाइम सॉरी पेमेंट टू इंडस्ट्रियल वर्कर्स फॉर द टाइम फॉर व्हिच दे नॉट They have not worked. Means idle time. Idle time. Called gas time pay. Leisure pay, idle time pay. Ho gaya. Chalo, 20 mein, 21 mein chala abhi. Ye raha screen ke upar. Which of the following is a value allowances for industrial employees? Median allowance, entertainment allowance, city compensatory allowance, laundry allowance. City compensatory. City. B. City compensatory allowances. Okay. जो अभी बंद हो गया। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। All the following are primary cost accounting documents used for the collection of labor expenditure. ये थोड़ा तगड़ा सवाल है। ध्यान से देखिए। All of the following are primary cost accounting expenditure documents used for the collection of labor expenditure. पीस वर्क कार्ड, डे वर्क कार्ड, allocation sheet, labor punching media. फोन डॉक्यूमेंट यूज़ फॉर द कलेक्शन ऑफ द लेबर एक्सपेंडिचर कौन छोड़कर मतलब किसको छोड़कर लेबर पंचिंग मीडिया को छोड़कर सबको सब ये करता है आंसर देखते रहो आंसर का ए है भाई पीस वर्क कार्ड रुक जा भाई क्लियर कर क्योंकि देखो लेबर पंचिंग मीडिया से पेमेंट होगी कोई भी हो डे वर्क कार्ड से एलोकेशन शीट से अटेंडेंस बनेगी पीस वर्क कार्ड से अटेंडेंस ये पीस वर्क कार्ड आंसर दिया इसमें चले आगे बढ़े नॉर्मल डे वर्क कार्ड जनरेटेड फॉर ईच कब बनता है डे वर्क कार्ड बिना ऑप्शन देके बताओ सेम जॉब अभी पूछा था क्या होगा आंसर आंसर बताओ बराबर फॉर बुकिंग पेमेंट्स पर्टेनिंग टू लीव पे holiday pay, overtime bonus, during allowances, during and other dearness and other allowances. The account office prepare, कौन सा sheet बनाता है? Labor punching media. Good, बराबर. A labor abstract prepared gas wage. कौन बताएगा इसको? Labor abstract कैसे बनता है? Piece, piece, sector, section, piece, section wise.
प्लानिंग अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑल ऑफ दीज लेबर एक्स्ट्रा काम लेबर एक्स्ट्रा के साथ प्लानिंग अकाउंट अकाउंट भेजा जाता है अकाउंट प्लानिंग भेजता है ना अकाउंट में लेकिन सॉफ्ट तो भेजती है प्लानिंग में अकाउंट्स ऑफिस मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नहीं है लेबर एक्स्ट्रैक्ट नहीं नहीं सब सब विद विद द टॉप शीट विद द टॉप शीट सेंड टू नहीं 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 ये अकाउंट आएगा क्योंकि प्लानिंग टॉप शीट के साथ भेजता है और सॉफ्ट विदाउट टॉप शीट के साथ जो है प्लानिंग को भेजती है तो क्या होएगा आंसर अकाउंट ऑफिस ओके गुड अकाउंट ऑफिस ही होता है क्योंकि पेमेंट के लिए अकाउंट ऑफिस को ही जाएगा डायरेक्ट प्लानिंग को नहीं जाएगा ठीक है नहीं नहीं समझे नहीं आप सॉप जो है ना वारंट वगैरह ये सब चीज एक्सेप्ट हो गया तो प्लानिंग को देगा लेकिन टॉप शीट के साथ देता प्लानिंग अकाउंट को है अच्छा टॉप शीट डिफरेंस है बस टॉप शीट देखो हाँ टॉप सीट आ गया ना स्टॉक सीट इसकी ना हाँ टॉप सीट है टॉप सीट किसके जाता है प्लानिंग हो जाता है नहीं नहीं टॉप सीट अकाउंट को जाएगा अकाउंट को जाएगा लेकिन ये सवाल में पूछा है कि लेबर एब्स्ट्रैक्ट टुगेदर विथ द टॉप सीट मतलब दोनों मिलके कहाँ जा रहे हैं पहले अकाउंट्स में ओके डन मटेरियल व्हिच फॉर्म part of the finished product is defined as gas material direct material drawn from generals of maintenance ye teen line mein aapka sawal teen sentence mein aapka sawal indirect ha bas working stock ek minute ke liye working stock of stores in ordnance factories is broadly categories into dash group kitna group hai us store mein 3 4 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
सवाल पहले देख लो क्या है, सवाल क्या मांग रहा है. स्टॉक ऑफ स्टोर्स मीन्स कि कहां पे स्टॉक कर रहे हो. स्टॉक में दो ही चीजें, मूविंग एंड नॉन मूविंग. ठीक है, उसमें लिख दिया हम थीर और फोर तो लग जाएगी क्लीन वर्ल्ड. ठीक है, चलो आगे बोलो. स्टॉक पाइल रिजर्व्स ऑफ स्टोर्स आर फाइनेंस फ्रॉम द डैश एक्सपेंडिचर. थ्री मंथ्स, ये कुछ दिन पहले. हां, थ्री मंथ्स. सॉरी सॉरी सॉरी, मैं 33 नंबर पढ़ लिया क्या? इंपोर्टेड इंपोर्टेड है. इकतीस को जा रहा हूँ. स्टॉक पाइल फॉर नॉन पेरिसेबल इम्पोर्टेड मटेरियल शैल बी बिल्ड अप टू डैश मंथ्स. और इंडिजिनस को 3 मंथ्स है. ओके, 33 में आ रहा हूँ. 32 नंबर हो गया. ठीक है, स्टॉक पाइल रिजर्व्स ऑफ स्टोर्स आर फाइनेंस फ्रॉम द डैश एक्सपेंडिचर. कौन सा एक्सपेंडिचर है ये? स्टॉक पाइल कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल ईच ऑफ द स्टॉक पाइल. Each of the stockpile item is generally reviewed twice a year. Once a year. जनरली जो हमारा स्टॉक है उसका उसका भी एक बार होता है. अरे सुनिए, ईच आइटम ऑफ द स्टॉक पाइल